जैसे मैं कल वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका फार्मिंग सिस्टम, प्रिसीजन फार्मिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का पार्ट नंबर 10 और 11। इसमें दोस्तों हम करने जा रहे हैं आपके लिए वो BSc 6th sem का जो आज पेपर है उसके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs। तो दोस्तों ये स्टार्ट करते हैं। यदि आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो PDF लेने के लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। साथ ही साथ एक नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 7697505033, इससे आप ज्वाइन लिखकर मैसेज कर सकते हैं और ज्वाइन हो सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल क्वोट के साथ में कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चंस कि ग्राम समन्वित कृषि प्रणाली के आदर्श क्या है। दोस्तों ग्राम समन्वित कृषि प्रणाली के लिए कौन सा आदर्श है? दोस्तों कौन सा आदर्श है आपका? देसी मुर्गियाँ। ग्राम समन्वित कृषि प्रणाली के लिए देसी मुर्गी आपके देसी आदर्श है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तव में कौन सा सुमेलित है? दोस्तों समन्वित कृषि प्रणाली और टिप्पणियां जो है इसमें आपका वर्षा आधारित और कृषि वानिकी ये सभी किससे संबंधित है? आपके वास्तव में समन्वित कृषि प्रणाली से संबंधित हैं। दोस्तों किससे समन्वित कृषि प्रणाली से संबंधित हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों कि फसल के साथ साथ सबसे अच्छा पूरक उद्यम कौन सा है? दोस्तों आप सभी जानते हैं कि फसल के साथ साथ सबसे अच्छा पूरक उद्यम आपका पशुधन होता है। दोस्तों क्या होता है आपका? पशुधन होता है। पशुधन ही आपका सबसे अच्छा पूरक उद्योग दोस्तों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता। दोस्तों खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत जो गन्ना है, गन्ना की कृषि जो होती है खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत दोस्तों आपकी नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत बड़े बड़े फार्मों की स्थापना बड़े बड़े फार्मों की स्थापना करके कारखाने की भांति एक ही फसल कृषि की जाती है, एक ही फसल की कृषि की जाती है? तो दोस्तों वो कौन सी होती है आपकी? रोपण अथवा बागवानी कृषि। रोपण अथवा बागवानी कृषि दोस्तों वो होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ये दोस्तों इन क्वेश्चन का PDF लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका PDF भी ले सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इस सीरीज में से भी लगभग आपके 4 से 5 क्वेश्चन सीधे सीधे आने वाले हैं। बाकी इसके हमने 9 पार्ट पहले अपलोड कर दिए हैं। ये पार्ट जो आपका होने वाला है 10वां पार्ट होने वाला है और 11वें पार्ट के लिए जो क्वेश्चन है वो भी इसी पार्ट में आने वाले हैं, हालांकि वो अलग पार्ट बनाया जाएगा, है ना। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम क्या विस्तृत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधियां क्या? दोस्तों कि विस्तृत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? दोस्तों विस्तृत आकार वाले खेतों पर यांत्रिक रूप से की जाने वाली जो कृषि होती है दोस्तों विस्तृत कृषि कहलाती है। क्या? विस्तृत कृषि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली सब्जियों एवं फल फूलों की कृषि जिसके परिवहन में ट्रकों का अधिक उपयोग होता है दोस्तों को क्या कहलाती है? उसे हम ट्रक फार्मिंग के नाम से दोस्तों जानते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है? दोस्तों जो आपका विपणन बागवानी होता है। क्या? विपणन बागवानी होता है। यह आपका ट्रक कृषि या ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम बढ़ते हैं। गहन कृषि से संबंधित नहीं है। दोस्तों कनाडा में गेहूं की खेती है, गहन कृषि से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विस्तृत कृषि में समाविष्ट नहीं है? दोस्तों जो प्रति व्यक्ति अधिक उत्पादन वाला जो तत्व है यह आपकी कृषि में समाविष्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम बढ़ेंगे कि क्वेश्चन आपका है कवक जनित बीमारियों के लिए अधिकतर कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? दोस्तों कवक जनित बीमारियों के लिए अधिकतर जो है मैंकोजेव जो रसायन है उसका उपयोग दोस्तों हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि फार्म नियोजन वह क्रिया है या वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वर्तमान में भविष्य के लिए साधनों के समुचित प्रयोग द्वारा उगाई जाने वाली फसलों एवं पशुओं के संयोजी संबंधन में निर्णय लिए जाते हैं। यह कथन दोस्तों किसने कहा था? तो ये दोस्तों यह कथन जो था आपका प्रोफेसर टंडन एम डोडियाल के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि पुनर्उद्धारक फसलें कौन सी होती है? दोस्तों पुनर्उद्धारक फसलों का तात्पर्य होता है कि वे फसलें जो कि आपकी भूमि में जो पोषक तत्व जो प्राप्त करती है भूमि से, उन पोषक तत्वों को पुनः लौटा देती है। अर्थात जो पोषक तत्व उसने लिए थे वो पोषक तत्व भूमि को पुनः लौटा देती है, जिससे उन पोषक तत्वों का उपयोग अन्य फसल कर सकती है। तो ऐसी फसलें कौन सी होती है? आपकी जो लेग्यूम क्रॉप्स होती है दोस्तों, दाल वाली फसलें होती हैं या आपकी पुनर्उद्धारक फसलें दोस्तों होती हैं। आगे बढ़ेंगे, अंधी गुड़ाई किस फसल में की जाती है? दोस्तों अंधी गुड़ाई आप सभी जानते हैं गन्ने में की जाती है। किसमें? गन्ने में अंधी गुड़ाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम बढ़ते हैं कि मिश्रित सस्यन का वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? दोस्तों मिश्रित सस्यन का वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम ला फिट्स ने 1928 में किया था, है ना, कि मिश्रित सस्यन का अध्ययन सर्वप्रथम ला फिट्स ने 1928 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएपी किस प्रकार का उर्वरक है? डीएपी अर्थात दोस्तों डाई अमोनियम फास्फेट किस प्रकार का उर्वरक है? दोस्तों ये एक जटिल उर्वरक है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपके पास में हर वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपके लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर वीडियो अपलोड किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कमेंट में वंदे मातरम करना ना भूलें। फ्री पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। शुष्क खेती कहाँ की जाती है? दोस्तों शुष्क खेती वहाँ की जाती है यहाँ पर वार्षिक वर्षा 20 इंच से कम या 50 सेंटीमीटर से कम या 750 mm से कम होती है। कितने? 20 इंच 50 सेंटीमीटर 750 mm से कम होती है वहाँ आपकी शुष्क खेती होती है, है ना दोस्तों। यहाँ पे यदि 20 इंच होता क्या होता है 20 इंच होता तो भी आपका चलता। नेक्स्ट है जलाक्रांत एवं क्षारीय मृदाओं में हरी खाद हेतु कौन सी फसल अच्छी है? दोस्तों जलाक्रांत एवं क्षारीय मृदाओं में जो हरी खाद हेतु हम बात करेंगे तो ढेंचा सर्वोत्तम होता है। और दोस्तों हरी खाद के लिए जैसा कि आपका कश्मीर हो गया वहाँ पर मसूर का उपयोग किया जाता धान में हरी खाद के लिए। ऐसा सनई जो सनहम पे होता है इसका अधिकतर उपयोग हरी खाद के लिए किया जाता है। ढेंचा का उपयोग कहाँ पे किया जा रहा है? जलाक्रांत एवं क्षारीय मृदाओं में हरी खाद हेतु किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों हम बढ़ते हैं कि बगीचों में हरी खाद के लिए कौन सी फसल होनी चाहिए? दोस्तों बगीचों में हरी खाद के लिए आपको कौन सी बरसीम की फसल लगानी चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल की बारंबारता क्या कहलाती है? दोस्तों किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल की बारंबारता एकल खेती कहलाती है, मतलब कि एकल कृषि या एकल खेती किसे कहते हैं? दोस्तों किसी एक निश्चित भूमि पर एक ही फसल को बारंबार उगाना आपकी क्या कहलाती है? एकल कृषि कहलाती है। दोस्तों एकल कृषि के बाद में आपका क्या होता है कि एकल सस्यन होता है। एकल कृषि में क्या बारंबार होता है, एकल सस्यन में क्या होता है एक निश्चित अनुपात में किसी एक फसल को ही लगाना, है ना, वो एकल सस्यन कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सनई की उत्पत्ति क्या है? सनई क्या दोस्तों? सनई आपका जो है हरी खाद की फसल है जो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन अवेलेबल करवाती है, है ना। सनई एक हरी खाद की फसल है जिसका उत्पत्ति स्थान आपका क्या है? ब्राज़ील है। सनई यानी कि सन हेम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन नकदी फसलें कौन सी है? दोस्तों ये नकदी फसलें आपकी हैं गन्ना आलू तंबाकू इत्यादि, वे फसलें जिनको भूमि से सीधे मतलब कि उत्पादन जब होता है भूमि से प्राप्त करने के पश्चात सीधे हम मार्केट में बेच सकते हैं, स्टोर करने की कोई ज़रूरत उनको नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों
पूर्ण खाद कौन सी मानी जाती है? दोस्तों पूर्ण खाद जो है आपकी गोबर की खाद जो है या पूर्ण खाद मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गोबर की खाद खेत में डालने का उचित समय, तो फसल बोने के एक माह पहले गोबर की खाद को खेत में डालना चाहिए। दोस्तों आपका वीडियो को पार्ट नंबर 10 है यहीं समाप्त करते हैं। पार्ट नंबर 11 बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा 1 घंटे के अंदर। दोस्तों इस वीडियो को भी अपना प्यार दिखाइए, इसके पहले जो पार्ट डाले गए 9 पार्ट उनको भी आप देख लीजिए, उसका प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जिसमें आप सारे पार्ट एक साथ देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।